श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय दुनिया की गति बहुत फास्ट हो गई है। इंसान बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है। विधि कुछ भी हो परंतु सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में अल्पकाल के वैभव साधनों व संबंधों से परेशान आत्माओं को शीघ्र ही सुख और शांति की प्राप्ति हम कैसे कराएं? सेवा की इस नवीन गति को आज हम गहराई से समझेंगे ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 29 अगस्त 75 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। परमात्मा कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा वरदानी व विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आह्वान हो रहा है। बस अब इन दोनों शब्दों को थोड़ा स्पष्ट करें, वरदानी और विश्व कल्याणकारी। परमात्मा के बच्चों का समय प्रतिसमय किसी न किसी रूप में पूजन और गायन होता है जी। तो जब भक्ति के अंदर कभी देवियों की पूजा होती है, कभी देवी देवताओं के रूप में उनकी पूजा होती है, परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं आप बच्चों का चारों ओर आह्वान हो रहा है जी। आप अपने दाता स्वरूप में स्थित होकर वरदानी बन करके उनको अनुभव कराओ, साक्षात्कार कराओ, क्योंकि परमात्मा से जो कुछ हमें शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो हमें दूसरों को देना है। तो दाता स्वरूप माना हमारी शुभ भावनाओं से इतने अच्छे संकल्पों का वाइब्रेशन जाना चाहिए, जो किसी भी कामना से अगर कोई भक्त आत्माएं हमारे मूर्तियों में जड़ यादगार के सामने आए तो उनको अनुभव हो इनके नैनों से, इनके चेहरे से मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। तो साकार में हम सब चैतन्य रूप में जब दाता और विधातापन की स्मृति में रहेंगे कि हम परमात्मा के बच्चे देने वाले हैं, हम उनके द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का दान दें, तो उस स्मृति में जब हम बैठते हैं तो हमारे जो संकल्पों का प्रवाह है वो भक्त आत्माओं को मूर्तियों के द्वारा अनुभव होता है जी। इसको परमात्मा कह रहे हैं कि आप दाता और विधाता के स्वरूप में स्थित होकर के अनेक भक्त आत्माओं को जो आह्वान कर रहे हैं उनको साक्षात्कार कराओ, प्राप्तियों की अनुभूति कराओ। परमात्मा कहते हैं कि जब कोई का आधार रूप सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय क्या याद आता है? ऐसे समय सदाकाल की प्राप्ति कराने वाले व सुख चैन देने वाले परमात्मा और साथ साथ शिव शक्तियाँ व महादानी वरदानी देवियाँ ही याद आती हैं, क्योंकि देवियों अथवा माताओं का हृदय स्नेही और रहमदिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप का पूजन या आह्वान ज़्यादा करते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाली आत्माओं का आह्वान वर्तमान समय ज़्यादा होता है। परमात्मा के जो बच्चे हैं जिनको सर्व शक्तियों की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, वो जो संकल्प करते हैं उनके जो संकल्पों का वायुमंडल है वो भक्त आत्माएं कैच कर सकते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को उस स्वरूप की उस स्मृति में स्थित होने की विधि बताते हैं जी। या आप उस स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तो जो आपका आह्वान हो रहा है, क्योंकि भक्ति में देवियों का बहुत आह्वान होता है, पूरे वर्ष में दो बार नवरात्रियाँ मनाई जाती हैं जी। और उसमें देवियों की माताओं की ही पूजा होती है, क्योंकि माताओं की दो विशेषताएं हमेशा गाई हुई हैं। एक उनके अंदर रहम भाव होता है, बच्चों के प्रति बहुत दया भाव रहम भाव होता है, और दूसरा वो स्नेह की मूर्ति होती, स्नेह बहुत देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये माता रूप में आप देवियों का जो आह्वान हो रहा है, भक्त आत्माएँ आपको पुकार रही हैं, आप उस स्वरूप में स्थित होकर के उनको अपनी दृष्टि से, अपने सूक्ष्म वाइब्रेशन से उनकी कामनाएं पूरी करो जी। तो जो आह्वान हो रहा है उसका आप रिटर्न करो, उस स्वरूप में स्थित होकर के कि
कि हमें ही पुकार रहे हैं भक्त आत्माएं, तो उस स्वरूप में जब हम स्थित होंगे तो अनुभव होने लगेंगे। परमात्मा कहते हैं कि आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं जानते, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगी। तो सब सिद्धि और विधि, इसको थोड़ा स्पष्ट। अगर हम कोई नियम बताने लगे कि इस पुरुषार्थ से ये प्राप्ति आपको होगी जी, तो लोग इतने कमजोर हैं, निर्बल हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हमें सफलता मिले, सफलता मिलेगी उसके बाद वो विधि को अपना लेंगे, लेकिन पहले प्राप्ति चाहते हैं, पुरुषार्थ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि विधि कोई आपकी सुनेगा नहीं। अगर आप बताओगे ये करो ऐसे करो तो ये प्राप्ति हो जाएगी, तो परमात्मा कह रहे हैं पहले उनको प्राप्ति का अनुभव अपनी शक्ति से करा दो। जब वो प्राप्तियों का अनुभव कर लेंगे तब अगर कोई विधि आप बताओगे तो उसको सहज पालन कर लेंगे। तो उसलिए विधि नहीं चाहते, माना कोई पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, उसकी उनके पास शक्ति नहीं है, इसलिए उनको कुछ प्राप्ति हो जाए। जैसे मंदिर में जाते हैं, अगर उनकी कोई कामना पूरी हो जाती है, फिर उनको अगर कहा जाता है इसके लिए आप 9 दिन 10 दिन व्रत रखो, तो व्रत रखेंगे फिर जी। लेकिन अगर कुछ प्राप्ति ही नहीं हो रही है, कुछ उनको मिला ही नहीं है, फिर कहो तो वो विधि अपनाने में उनको मेहनत लगती है। तो परमात्मा कहते हैं कोई हरेक को विधियाँ पहले बता दो, कोई नियम बता दो, तो नियमों पर चलना सबके लिए संभव नहीं है जी। इसलिए पहले उनको कुछ अनुभव हो, कुछ प्राप्तियाँ हो जाएं, सुख शांति की प्यासी हैं, परेशान हैं, तड़फ रही हैं, तो आप अपनी शक्ति से, अपनी दृष्टि से, अपनी पालना से उनको शक्ति दे दो जी। जब मिल जाएगी उसके बाद अगर कोई बात आप कहेंगे कि इसके लिए स्थायी रूप में अगर ये अनुभव करने हैं तो आपको ये नियम पालन करने पड़ेंगे, इस विधि पर चलना पड़ेगा। विधि बाद में बताना है, पहले उनको कुछ प्राप्ति का अनुभव कराना है। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लॉफुल नहीं लेकिन लवफुल। पहले लव दो फिर लॉ दो, दोनों का वैसे बैलेंस चाहिए जी। लेकिन अगर हम सिर्फ नियम बताते हैं, लॉफुल बन जाते हैं, तो कोई भी समीप आना ही नहीं चाहता। कहते तो बड़े कड़े नियम है, ये हमारे लिए संभव नहीं है जी। हमें नहीं कर पाएंगे, तो पहले से ही दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको हम स्नेह देते जाते हैं तो और वो समीप आ जाते हैं, और समीप आने के बाद अगर आप कोई नियम बताते हैं तो उसको पालन कर लेते हैं। तो परमात्मा हमको कह रहे हैं आप सबको पहले स्नेह दे करके, लव दे करके उनको परमात्मा के समीप लाना है, उनको ज्ञान में चलने की शक्ति पहले देनी है जी। जब शक्ति मिल जाएगी तो उसके बाद वो नियम पालन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, तो लवफुल नहीं बनो, लवफुल बनो। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि वे लव के बाद लॉ को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। सब रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। पहले के जमाने में भी जो परिवार थे बहुत समीप थे, बहुत ज्वाइंट फैमिली थी जी। आज जितना विज्ञान आगे आता गया, आज जिसके हाथ में मोबाइल आ गया, आपस में बात नहीं करेंगे, जब मिलेंगे फोन पर बात करते रहेंगे जी। तो जो सच्चा स्नेह था, सच्चा प्यार था, वो दूर हो गया। तो परमात्मा कहता है विज्ञान के साधनों से वो अल्पकाल का क्षणिक सुख प्राप्त कर रहे हैं, स्नेह मिल रहा है, लेकिन जो स्वार्थ रहित प्यार है, सच्चा प्यार है, वो जब आपके समीप संबंध में आएंगे, जब आप उनको बहुत दिल से कोई बात आगे बताएंगे, तो उस प्यार को निस्वार्थ प्यार, जिसके अंदर कोई लेना देना हमारा कुछ नहीं है जी। कोई उनसे हमें कोई धन चाहिए, कोई सम्मान चाहिए, कोई प्राप्ति चाहिए, ऐसे कोई भावना हमारी नहीं जी। कि जितना हम उनको सही मार्ग बताते हैं, सत्य ज्ञान सुनाते हैं, उतना उनका प्यार बढ़ता जाता है जी। तो निस्वार्थ प्यार देना, सच्चा प्यार देना, जिससे वो आत्माएं अपना भविष्य ऊंचा बना सकें जी। परमात्मा कहता विज्ञान के युग में तो जो भी चल रहा है,
इतने साधन आते जा रहे हैं, लोगों को पता चलता है कि बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार प्यार नहीं रहा, उससे और दूरियां बढ़ रही हैं। परमात्मा कहते हैं कि आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है, इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी, महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले हैं, ये आत्मा को तड़फाने वाले हैं। आजकल तो इतनी साइंस की प्रगति हुई है, जो सारा दिन माँ बच्चों का भी आपस में लेन देन नहीं हो पाता जी। छोटे बच्चे ही पहले पहले कंप्यूटर में से बैठ जाते हैं सीखने, और उसको ही खेलते रहते हैं। माता पिता की पालना क्या है, उनका स्नेह क्या है, उसका भी लोग अनुभव नहीं कर पाते जी। तो आगे चल करके परमात्मा कहते हैं और ये सब साधन जितने बढ़ते जा रहे हैं जी, उतना पारिवारिक सच्चा प्यार खत्म होता जा रहा है, निस्वार्थ प्यार खत्म हो जा रहा है। माता पिता का बच्चों से निस्वार्थ प्यार पहले था, लेकिन आज वो जमाना आ गया है जो कोई का कोई से प्यार ही नहीं रहा, लोग साधनों में फंस गए जा करके, और जब परेशानी आती है तो लगता है कि अभी इससे हमें कौन पार करेगा। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चे सर्व आत्माओं को सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार दे करके, क्योंकि सच्चा प्यार और निस्वार्थ प्यार आत्मिक प्यार है। दूसरा झूठा प्यार है दैहिक प्यार, जो देह को देख करके, देह के संबंध के आधार से हम देते हैं, वो तो विनाशी है, क्षणिक है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के इस आत्मा का कल्याण किन बातों में है, इस आत्मा की उन्नति कैसे होगी, उस सच्चे स्नेह की भावना से एक दूसरे को सही मार्ग दिखाना, ये है सच्चा रूहानी प्यार। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कल्प पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधे, मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे, ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। अल्पकाल के साधनों में सुख शांति समझ रहे हैं, लेकिन देखा ये जाता है जैसे मृग तृष्णा का गायन है जी, कि जब रेत पर धूप पड़ती है, सूर्य की चमक आती, किरणें आती हैं जी, तो पानी की तरह वो चमकने लगता है। जो मृग है प्यासा होता है और समझता है यहाँ पर पानी है, तो मृग उसको ढूंढने के लिए, पानी पाने के लिए भागता है, लेकिन गर्मी के कारण उस रेत में भागते भागते अपने प्राण दे देता है जी। प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। ऐसे ही आज का मानव जो है मृग तृष्णा के पीछे समझता है ये साधन आ जाएंगे तो सुख मिलेगा, ये विज्ञान के साधन मिल जाएंगे तो सुख हो जाएगा, जैसे अल्पकाल के सुख शांति के लिए उसके पीछे भाग रहा है जी। लेकिन ये सब साधन परमात्मा कह रहे हैं ये मृग तृष्णा के समान है, जो महाभारत में गाया हुआ है कि अंधे के औलाद अंधे। तो आज वर्तमान समय ज्ञान नेत्रहीन आत्माएं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनको ही परमात्मा कहते हैं ज्ञान नेत्र नहीं, इसलिए ज्ञान नेत्र से अंधे, स्थूल में आंखों से अंधे नहीं है जी। वो तो सबको है, लेकिन तीसरे नेत्र की कमी होने के कारण जो क्षणिक प्राप्ति कराने वाली चीजें हैं उनके पीछे वो दौड़ रहा है, और इसलिए वो दुखी और अशांत हो रहा है, और जो सदाकाल की प्राप्ति का स्रोत है उससे दूर होता जा रहा है जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी, जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हों, दिन रात विघ्नों के मिटाने की विधि में ना हो। तो सब सिद्धि स्वरूप, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें। कई प्रकार के विघ्न हरेक के सामने आते हैं, कोई आत्माएं हैं जो उन विघ्नों को हटाने में बहुत समय देती हैं। मान लो हमारा कोई ऐसा संस्कार है, ऐसी कोई आदत है, उसको मिटाने में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो सिद्धि स्वरूप आत्मा मैं नहीं बन पाया जी। अगर मैं सिद्धि स्वरूप हूँ तो हम जो संकल्प करेंगे जी, वो अपने आप स्वतः होने लगेगा, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम परमात्मा से सही रूप में कनेक्ट हैं, कनेक्शन हमारा जुड़ा हुआ है जी, तो हमारे संकल्प बोल जो भी निकलेंगे, जो भी होगा, वो सिद्धि देने वाला होगा। तो परमात्मा कहता है कि आप बच्चों को विघ्नों को हटाने में अपना समय नहीं देना है जी।
आप बच्चे परमात्मा के डायरेक्ट कनेक्शन में हो, उनकी शक्ति लेकर के सिद्धि स्वरूप बन जाओ जी। और सिद्धि स्वरूप बन करके जो संकल्प करो हो जाए, तो ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्माएं वही बन सकती हैं जो विघ्नों को हटाने में युद्ध नहीं करती, समय नहीं देती। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं परमात्मा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूरत आत्माएं होंगी। स्वयं पुकारने वाले नहीं होंगे कि बाबा यह कर दो, यह दे दो। रॉयल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा। परमात्मा से बच्चों को मांगना नहीं है, क्योंकि मांगने वाले बच्चों को परमात्मा कितना देगा। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को सब प्राप्तियों से भरपूर संपन्न बना देता है जी। सब कुछ उसने हमें दिया, तो हमें उस सुख को, अतीन्द्रिय सुख को, उन वरदानों का पहले अपने जीवन में अनुभव करना है। जब हम भरपूर होंगे, जब हमारी कोई भी कामनाएं नहीं रहेंगी, तब हम दूसरी आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहता है कि आप बच्चों को अंश मात्र भी कोई चीज़ मांगनी नहीं है, न परमात्मा से मांगनी है, न किसी आत्माओं से मांगनी है। आप अपने आप में जो प्राप्तियां हुई उनका चिंतन करो, सुमिरन करो, आपको सब कुछ मिला है। आप अपने आप को अनुभव करो कि परमात्मा से हमें सब प्राप्तियां हुई हैं, और उस प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के फिर अपनी भावनाओं से दूसरी आत्माओं को तृप्त करो। ऋषि से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा यह काम आपका है, आप तो करेंगे ही। ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। देवताओं के भी रचयिता को क्या बना देते हो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व अधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। तो सब इसमें एक बात आती है कि यदि इंसान के मन में कोई इच्छा हो तो फिर वो परमात्मा को कैसे याद करे और कैसे उस चीज़ को प्राप्त करे। वास्तव में परमात्मा से कोई डिमांड करने की, मांगने की आवश्यकता नहीं है जी। वो तो स्वयं दाता है, सब कुछ बच्चों को देता है। सिर्फ हमारा संबंध यथार्थ जुटा हुआ हो। जितना संबंध स्नेह युक्त होगा, जितना हम दिल से एक परमात्मा पर न्योछावर जाएंगे, उतना उससे हमें सब प्राप्तियां स्वतः होंगी। हम कहें बाबा मुझे शक्ति दो, मुझे मदद दो, ये कार्य पड़ा हुआ है आप करा दो, किसी को निमित्त बना दो, तो परमात्मा कहता है मेरे को कह करके आप मानो क्यों बना रहे हो। कह करके करने वाला तो मनुष्य होता है, और देवताओं के लिए कहते हो बिना कहे करते हैं जी। और मैं तो इन देवताओं का भी रचयिता, बाप हूँ, पिता हूँ, तो मुझे देवताओं से भी नीचे क्यों ले जा रहे हो। तो जब उस सोमान में हम रहेंगे कि परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन हमें सिर्फ सच्ची दिल से बहुत स्नेह युक्त संबंध रखने की जरूरत है जी। जब स्नेह युक्त सच्चा संबंध है, तो जो उसके पास है उसके हम सब मास्टर हैं, मालिक हैं, और जब मालिक हैं तो हम भरपूर हैं। भरपूर आत्माएं कभी भी कोई भी कार्य के लिए परमात्मा पर छोड़ेंगी नहीं कि वो कर देगा। हम खुद ही उसके निमित्त हैं, जो उसके पास शक्तियां हैं। परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान मास्टर बनाता है जी। तो परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे अभी खुद मास्टर भगवान बन करके सब बच्चों की, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें जी। परमात्मा कहते हैं कि अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, चेकिंग भी समय प्रमाण सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण यह चेक करो कि हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितने हैं और सिद्धि स्वरूप कितने हैं। क्योंकि विधि स्वरूप कई हैं तो जो पुरुषार्थ ही करते रहते हैं जी, मेहनत करते रहते हैं, परमात्मा बच्चों की मेहनत को देख नहीं पाते, देख ही नहीं सकते। मेरे बच्चे होकर के भी भक्ति में जैसे मेहनत की, कितने धक्के खाए, अभी बच्चे बनने के बाद भी अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, तो परमात्मा कहते हैं मेहनत करने वाले बच्चे विधि में लगे हुए हैं कि ये करूं ये करूं, इससे तो सिद्धि स्वरूप बन करके जो परमात्मा ने प्राप्ति कराई है उसको स्वरूप में ला करके हर आत्मा को देने वाले बन जाओ जी। विधि नहीं बनाते, विधि को सिर्फ नहीं सोचते रहो कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा।
तो परमात्मा अपने बच्चों को भी पुरुषार्थी स्वरूप में मेहनत करते हुए नहीं देखता, लेकिन चाहता है कि मेरे बच्चे ये प्रारब्ध स्वरूप बन जाए, सिद्धि स्वरूप बन जाए, ताकि उनको लगे, मनुष्य आत्माएं जो संबंध संपर्क में आए, उनको ये लगे कि ये आत्माएं तो संपन्न हैं, भरपूर हैं, इनको कोई चीज की कामना नहीं है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शांत से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएंगी। इसलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित हो, नीचे रहने वालों का साक्षी हो, खेल देखो। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो सब इसको और गहराई से थोड़ा स्पष्ट करें। जब देह अभिमान से हम गलते हैं, माना जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं जी, तो उसकी निशानी पांडव पहाड़ पर गल गए। तो परमात्मा हम सब कहते हैं कि देह अभिमान से गल जाना, उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ जी। तो आत्मिक स्वरूप में जब रहोगे तो जो दुनिया में बहुत परेशानी बढ़ रही है, दुख बढ़ रहे हैं जी, उसका आपको इफेक्ट नहीं आएगा, उसके प्रभाव में आप नहीं आएंगे जी। अगर आप जरा भी देहमान में हैं जी, इस देहमान को समाप्त नहीं कर पाए, तो दुनिया के प्रभाव में आप भी आ जाएंगे। तो दुनिया के अंदर कलयुग के अंतिम समय में हर चीज अति में जाएगी, दुख अशांति अति में जाएगी, तनाव अति में जाएगा, और हम बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, विधियां अपना के इतना समय से चल रहे हैं, अगर हम भी मेहनत करते रहे, सिद्धि स्वरूप नहीं बने, तो उस प्रभाव में हम प्रभावित हो जाएंगे जी। इसलिए सिद्धि स्वरूप बनने की बहुत अच्छी विधि कि हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करें, उस देह अभिमान को गलाएं, इसको भुला दें। जितना आत्मा इस देह से उपराम होती जाएगी, उसको देह की दुनिया का इफेक्ट नहीं आएगा जी, नहीं तो कभी न कभी उस पर उसका प्रभाव आ जाएगा। परमात्मा अपने बच्चों को दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहने की विधि सिखा रहे हैं। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि हर सेकंड हर श्वास सेवा प्रति, स्वयं प्रति नहीं, स्वयं के आराम प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी। भाई साहब आज हमने गहराई से समझा कि कैसे हम सिद्धि स्वरूप बनकर दूसरों को भी सिद्धि स्वरूप बनाएं। भाई साहब इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें अपने वरदानी व विश्व कल्याणकारी स्वरूप द्वारा दुखी व परेशान आत्माओं को लवफुल स्टेज द्वारा रूहानी व निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कराना है। परमात्मा ने कहा कि अभी हमें विधि नहीं अपनानी परंतु सिद्धि स्वरूप बनना है। परमात्मा ने कहा कि जब हम दुखी व देह अभिमान से ग्रस्त आत्माओं से ऊपर उठकर साक्षी दृष्टा होंगे तभी हम हर समस्या का समाधान कर सकेंगे। दर्शकों आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सेवाधारी अर्थात हर सेकंड हर श्वास सेवा प्रति, स्वयं के आराम प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली निमित्त आत्माओं की निशानी, सिद्धि स्वरूप दिन रात स्वयं के विघ्नों को मिटाने की विधि में नहीं होंगे। बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, अति इंद्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं होंगी। देह अभिमान व इस दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति वाले ही विजयी रत्न बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो मनमोहिनी वन शांतिवन पोस्ट आबू रोड 3075 10 डिस्ट्रिक्ट सिरोही राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।